नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 6 के कार्यपत्रक 2 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कार्यपत्रक 1 में अपन ने संख्याओं के विस्तारित रूप और 10,000 वाली संख्याएं कैसे बना सकते हैं तथा लाख तक की संख्याओं को जो अंकों में लिखी हुई हैं उनको शब्दों के साथ किस प्रकार से मैच करते हैं, इन सभी के बारे में सीख चुके हैं। अब कार्यपत्रक 2 में अपन 6 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान के बारे में समझेंगे कि उनका स्थानीय मान से उनकी संख्याएं किस प्रकार से बनाई जा सकती हैं। तो चलिए पहले अपन बातचीत करते हैं स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, पहला प्रश्न जो दिया है, संख्याएं बनाइए। संख्याएं बनाने के लिए क्या कहा है अपने को, 10,000, दहाई, हजार, इकाई, सैकड़ा, लाख, इस टाइप से अपने को कुछ संख्याएं दी गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जो इकाई होती है, इकाई का मतलब होता है उस संख्या के साथ एक का गुणा। जो दहाई होती है उस संख्या के साथ 10 का गुणा किया जाता है। जो सैकड़ा है, सैकड़ा के अंदर उस संख्या के साथ गुणा किया जाता है 100 का। और जो हजार होता है उसमें संख्या के साथ गुणा किया जाता है 1,000 का। 10,000 जो है, 10,000 के क्रम में उस संख्या के साथ गुणा किया जाता है 10,000 का। ठीक है, जो लाख वाला नंबर है, लाख वाले नंबर को गुणा किया जाता है 1,00,000 से। कितने से गुणा किया जाता है, 1,00,000 से गुणा किया जाता है, इस टाइप से होता है। पर यहाँ पर अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जो इकाई के स्थान पर जो संख्या होती है उसको लिख देंगे, दहाई के स्थान पर जो संख्या होती है उसको लिख देंगे, फिर सबको मिला के एक नंबर निकाल लेंगे। यहाँ दिया है देखो, 10,000 वाले क्रम पर 4 हैं, दहाई वाले क्रम पर 2 हैं, हजार वाले क्रम पर 1 हैं, इकाई वाले क्रम पर 0 हैं, सैकड़ा वाले क्रम पर 7 हैं, लाख वाले क्रम पर 3 हैं। तो सबसे पहले इकाई ढूंढते हैं, इकाई 1 है। ठीक है, नहीं, इकाई कहाँ चली गई, इकाई 0 है, तो इकाई 0 लिख दिया। फिर दहाई के बारे में बातचीत करें, दहाई 2 है तो इसके जस्ट आगे 2 लिख दिया। सैकड़ा इसके बाद आता है, उसके जस्ट बाद 7 लिख दिया। ठीक है, फिर हजार, हजार वाले क्रम पर चलते हैं, हजार कितना है अपने पास, 1 है, तो ये 1 उसके बाद आ गया। फिर 10,000 वाले क्रम पर देखते हैं, ये 2 हैं तो यहाँ पर, सॉरी, 10,000 वाले क्रम पर 4 है तो यहाँ 4 कॉपी कर दिए। फिर लाख वाले क्रम पर 3 है तो यहाँ 3 कॉपी कर दिए। इस टाइप से एक संख्या बनी है जो 341,720 है। वो संख्या क्या है, 341,720 है। ठीक है, चलते हैं ख वाले में। ये अपने को करके दिया था, ख वाले में देखो सबसे पहले इकाई, ठीक है, ये है 1, फिर आती है दहाई, ये है 2, ठीक है, फिर आता है सैकड़ा, ये रहा सैकड़ा, ये है 4, फिर सैकड़ा के बाद हजार, ये है 5, फिर आता है 10,000, हजार हो गया, फिर आता है 10,000, ये है 9, और अब आता है अंतिम क्रम पे लाख जो है 7। तो ये बन गया 795,421। इस टाइप से संख्या का निर्माण हो गया। आगे चलते हैं ग वाले में, ग वाले में इकाई ढूंढ लेते हैं। इकाई सबसे पहले है 5, फिर दहाई की बात कर लेते हैं, दहाई ढूंढो, दहाई है 7, ठीक है, सैकड़ा है 2, फिर हजार है 7, फिर 10,000 है 0, और अंत में लाख जो है वो है 8। तो ये संख्या बन गई 807,275। फिर से चलिए गए वाले में, इसी क्रम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है अपने को। इकाई जो है अपनी वो है 3, तो ये इकाई के क्रम पर अपने 3 लिख दिया। दहाई है अपने 1, ठीक है, सैकड़ा वाले क्रम पर हैं 4, और हजार वाले क्रम पर हैं 8, 10,000 वाले क्रम पर हैं 7, और लाख वाले क्रम पर हैं 9। तो 978,413, इस टाइप से संख्या का निर्माण हुआ। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे वाले प्रश्न 2 में कुछ इस टाइप से कहा गया है, स्थानीय मान को देखें और संख्याएं बनाइए। क्या है, स्थानीय मान को देखना है और संख्याओं का निर्माण करना है। एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्थानीय मान को देखकर संख्याओं का निर्माण करना है, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले इकाई को, फिर दहाई को, फिर सैकड़ा को, फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले इकाई 5 लिख दी, फिर दहाई जो है 2 वो लिख दी, फिर सैकड़ा जो है 9 था तो 9 लिख दिया अपन ने, फिर सैकड़ा के बाद हजार वाले क्रम पे जो था वो लिख दिया, फिर लाख वाले क्रम पर जो होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, इसी
क्रम को अपन फॉलो करते हुए संख्या का निर्माण करेंगे। चलिए करते हैं अगली संख्या का निर्माण। इकाई जो है, इकाई सात है, ये अपन ने इकाई लिख दिया सात। फिर आती है बात दहाई की, तो ये दहाई जो है ये एक है, तो यहाँ पर एक कॉपी कर दिया। सैकड़ा नहीं है, इसका मतलब सैकड़ा के स्थान पर जीरो लिख दिया अपन ने। हजार जो है वो 29 है, ये 29 लिख दिया अपन ने। ठीक है, लाख के स्थान पर 6 है, तो ये 6 लिख दिया। अब देखो संख्या क्या बनी, 629,017, ये अपने पास एक संख्या बन गई है, संख्या का निर्माण हो गया है। अगले पद पे चलिए, गए वाले में इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये 2 लिख दिया मैंने। दहाई के स्थान पर 7 है, ये 7 भी लिख दिया अपन ने। सैकड़ा के स्थान पर 9 है, तो ये 9 भी कॉपी कर दिया सैकड़ा वाले स्थान को। फिर हजार वाले स्थान पर 35 है, तो ये 35 भी लिख दिया अपन ने। अब जो अपना लाख है उसका पद है ही नहीं, तो ये संख्या बन गई अपने आप 35,972। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बड़े वाले घर के अंदर बात करते हैं, इकाई वाले पद पर 9 है, तो ये 9 कॉपी कर दिया अपन ने। दहाई वाले पद की बात करें, दहाई वाला पद जो है वो 7 है, तो ये 7 कॉपी कर दिया अपन ने। सैकड़ा वाला पद है 9, तो ये 9 कॉपी कर लिया अपन ने। हजार वाले पद पर 40 है, तो ये 40 लिख दिया मैंने। और लाख वाले पद पर 6 है, तो ये लिख दिया। ये बना संख्या 640,969 या 79 बन गया, 640,979 अपन ने संख्या का निर्माण कर दिया। अब चलते हैं आगे, आगे हल करना है अपने को, संख्या का निर्माण करके आगे हल करना है। ये इस टाइप से यहीं रोक लेते हैं, चलिए ठीक है, हल करें। अब संख्या का निर्माण करना है, चलिए कीजिए। सबसे पहले जो संख्या बनी है, देखो ये है 880,702। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि किसके पीछे किससे मल्टीप्लाई हो रखा है। अपन इकाई से ही स्टार्ट करें, ठीक है, तो थोड़ा ठीक रहेगा। इकाई वाला पद 9 है, तो ये लिख दिया 9। दहाई वाले पद पर 20 है, तो ये 9 और 2 29 हो गया पीछे। सैकड़ा वाले पद पे 7 है, ये 7 अपन ने लिख दिया, ठीक है। हजार वाले पद पर क्या है, 4 है, ये 4 भी कॉपी कर दिया। 10,000 वाले पद पर 7 है, ये 7 भी कॉपी कर दिया। लाख वाले क्रम पर 1 है, तो ये लाख वाले क्रम को यहाँ लिख दिया। 174,729 इस प्रकार से एक संख्या बनी है अपने पास, 174,729। चलिए फिर से आगे चलते हैं अपन, पहले इधर उधर वाले कर लेते हैं। अब इकाई वाले पद पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इकाई वाला पद, ये दहाई वाला पद, ठीक है, तो 4 और 2 इकाई और दहाई वाले पद लिख दिए। सैकड़ा वाला पद है 9, तो ये 9 कॉपी कर लिया अपन ने। हजार वाले पद पर 2 हैं, तो ये 2 लिख दिया। 10,000 वाले पद को ढूंढो, ये 7 हैं, तो यहाँ पर 7। अब लाख वाले पद पर 1 है, तो ये 1 कॉपी किया, 172,942। अब इसको बनाते हैं। इकाई वाले पद पर 3 है, दहाई वाला पद ढूंढने से नहीं मिल रहा है, तो 0 लिख दीजिए आप दहाई वाले पद को। सैकड़ा वाले पद पर 1 है, तो ये 1 कॉपी कर लिया अपन ने। हजार वाला पद नहीं मिल रहा है अपने को डायरेक्ट, 10,000 वाला पद मिल रहा है, तो ये हजार वाले पद पर 0 और 10,000 वाले पद पर 7 लिख दिया। लाख वाले पद पर 9 है, तो ये 9 लिख दिया। 970,103 संख्या का निर्माण हुआ है अपने। चलिए इकाई वाले पद पर 9 है, तो ये 9 लिख दिया है अपन ने। दहाई वाले पद पर फिर भी, इस पर भी 9 है, तो ये लिख दिया 9। सैकड़ा वाले पद पर 1 है, ये 1 लिख दिया है, ठीक है। और हजार वाले पद पर नहीं, हजार वाला पद ये रहा 3, तो ये 3 कॉपी कर लिया। 10,000 वाले पद पर 4 है, तो ये 4 कॉपी कर लिया। और लाख वाले पद पर फिर से 4 है, तो ये 4 भी कॉपी कर लिया। 443,199 संख्या बनी है अपने पास। चलिए फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। इकाई वाला पद इसमें सर्च करें, ढूंढने से नहीं मिल रहा है, तो इसको इकाई वाले पद को 0 कर देते हैं। दहाई वाले पद पर संख्या 2 है, तो ये मैंने 2 लिख दिया है। सैकड़ा वाले पद पर 1 है, तो ये 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। हजार वाले पद पर संख्या 2 है, तो ये 2 कॉपी कर लिए। 10,000 वाले पद पर संख्या 8 है, तो ये 8 लिख दिए है मैंने।
ठीक है, लाख वाले पद पर तीन है तो ये तीन भी लिख दिए, 382,120 संख्या का निर्माण हुआ है अपने पास। फिर से चलते हैं, वही क्रम फॉलो करेंगे जो पहले कर रहे थे अपन। इकाई वाले पद पर सात हैं तो ये सात लिख दिए मैंने, दहाई वाला पद नहीं है तो जीरो, सैकड़ा वाले पद पर एक है तो ये एक लिख लिया, ठीक है, हजार वाले पद पर सात है तो यहाँ पर सात लिख लिए, 10,000 वाले पद पर भी सात है तो वो भी लिख दिए, अब लाख वाले पद पर दो है तो ये दो लिख लिए, 277,107 इस प्रकार से संख्या का निर्माण हुआ। तो लिख देते हैं अपन, लिख दिया अपन ने। फिर से इकाई वाले पद पर छः हैं तो ये छः कॉपी कर लिए, दहाई वाले पद पर सात हैं तो ये सात भी कॉपी कर लिए अपन ने, सैकड़ा वाले पद दिखाई नहीं दिया है तो ये जीरो है, हजार वाला पद एक है, 10,000 वाला पद पर दो है, ठीक है, और लाख वाले पद पर नौ है तो उसको भी लिख देते हैं, 921,076 इस प्रकार से संख्या का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कार्यपत्रक दो में अपन ने स्थानीय मान की सहायता से किस प्रकार से संख्याओं का निर्माण करते हैं इसके बारे में सीखा है। कार्यपत्रक एक और दो में अपन ने विस्तारित मान और स्थानीय मान जो एक ही बात होती है लगभग लोग, उनके आधार पर संख्याओं का निर्माण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, स्थानीय मान में संख्याओं का क्रम आगे पीछे कर दिया जाए तो संख्या का निर्माण किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में भी अपन ने यहाँ पर सीख लिया है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो अगली क्लास में ली जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।